मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल राजमार्ग पर रविवार सुबह बस का इंतजार कर रहे लोगों को एक अनियंत्रित डीसीएम ने कुचल दिया। इस भीषण हादसे में एक महिला सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको मेरठ रेफर किया गया। पुलिस ने मौके से डीसीएम के ड्राइवर को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि डीसीएम बहुत तेज गति में था जिस कारण ड्राइवर के नियंत्रण न रहकर डीसीएम ने बस का इंतजार कर रहे लोगों को कुचल दिया। वहीं पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। क्राइम स्टोरी के लिए मेरठ से सुरेश दहिया की रिपोर्ट। ये गाड़ी फुगाना गेट पर किसी वाहन के इंतजार में खड़े थे, सवारी के में ये लोग। डीसीएम आई और बहुत तेजी से इन पर चढ़ गई, एंट्री हो गया, नहीं खराब, कोई कारण उसमें कोई कमी रही है जिससे ये लोग उसके नीचे दब गए। पाँच लोग हैं जिनमें दो महिलाएं हैं, तीन पुरुष हैं, जिनके चार में तो मौके पर एक्सपायर हो गए। एक जिंदा है जो हॉस्पिटल हम लोग ले जा रहे हैं और एक मेरठ रेफर कर दिया है। चार डेड बॉडी ये हॉस्पिटल में है जो मौत की।